हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ सॉइल सैलिनाइजेशन, यानी कि सैलाइन जब सॉइल होता है तो वो किस किस विधि के द्वारा होता है, कौन कौन सा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि सॉइल जो हमारा धीरे धीरे होकर के वो सैलाइन बन जाता है। तो इसमें हम मुख्य रूप से दो तरीके से बात करेंगे, एक तो आपका है नेचुरल प्रोसेस और दूसरा है आपका एंथ्रोपोजेनिक कॉज, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण जो सॉइल का सैलाइन में डेवलप होता है उसके बारे में बात करेंगे, और एक जो हमारा है नेचुरल प्रोसेस उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहला है हमारा नेचुरल प्रोसेस, उसके बाद है क्या बेदरिंग ऑफ पेरेंट मैटर। बेदरिंग यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बेदरिंग क्या होता है, यानी कि जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो टूटते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं कि मिट्टी में बदल जाते हैं। तो यदि आपका वेदरिंग पेरेंट मटेरियल जो है या वेदरिंग पेरेंट रॉक्स जो है, यानी कि जो चट्टाने हैं जिससे क्या होनी है कि मिट्टी की डेवलपमेंट होनी है धीरे धीरे टूट टूट करके, तो यदि क्या होता है कि उस प्रकार का रॉक है यदि पेरेंट मटेरियल है जो कि है पहले से ही सैलाइन है, यानी कि जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो यदि उस प्रकार का आपका जो पेरेंट मटेरियल रहता है तो उससे जो मिट्टी डेवलप होगी, उससे जो मृदा बनेगी वो भी आपका कैसा होगा, वो भी आपका सैलाइन सॉइल होगा। बेदरिंग ऑफ पेरेंट मटेरियल्स में लिखा हुआ कि इफ़ द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक्स आर बेसिक इन नेचर, जैसे कि आपका बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट रॉक्स होता है, तो उससे जो आपका जो मिट्टी बनेगी, जो मृदा तैयार होगी वो भी कैसा रहेगा, सैलाइन रहेगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर का है। इन द सॉइल डेवलपमेंट थ्रू द प्रोसेस इज बेदरिंग इज ऑल्सो सैलाइन इन नेचर। यदि आपका क्या है इफ द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक्स आर बेसिक देन द सॉइल डेवलप फ्रॉम द दैट पेरेंट मटेरियल इज ऑल्सो सैलाइन इन नेचर और बेसिक इन नेचर। During the process of bedding of rocks, high salt concentration is released and made soluble. यानी कि जो भी हमारा क्या होता है कि जो भी पत्थर में जो insoluble form में है, जब क्या होता है कि उसका धीरे धीरे bedding होता है तो वो क्या होता है कि मृदा में धीरे धीरे फिर वो घुलनशील हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं कि यदि हमारा जो है पेरेंट मटेरियल जो है वो बेसिक नेचर का है तो हमारा जो सॉइल उससे डेवलपमेंट होगा, सॉइल जो उससे बनेगा वो भी हमारा किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, ये सैलाइन नेचर का होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि हमारा फॉसिल सॉल्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे फॉसिल सॉल्ट का क्या होता है कि डिपोजिशन हो जाता है रॉक मिट्टी में, और फिर क्या होता है कि जैसे कि आप एग्जांपल लेकर के बताते हैं कोई हैलोफाइट ये प्लांट है, तो क्या होता है कि हैलोफाइट प्लांट ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ सैलाइन सॉइल बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वहाँ डेवलप होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि अधिकतर मात्रा में क्या होते हैं कि वो सॉइल से बेसिक जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सोडियम हो गया, तो ये सब क्या करते हैं कि वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुछ ऐसे भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं कि सैलिनिटी को अपने आप में एब्जॉर्ब करते हैं। आगे जब पढ़ाएंगे कि सैलाइन सॉइल का सुधार कैसे किया जाता है तो उसमें वहाँ पर ये भी आएगा कि जहाँ पे सैलाइन सॉइल है यदि कोई हमारे पास उपाय नहीं है तो वैसा हम प्लांट लगाएंगे जो क्या कर सके कि सैलाइन सॉइल को एब्जॉर्ब कर सके अपने आप में, अपने बायोमास में अपने अंदर ला सके, तो क्या होगा कि जो सैलिनिटी हमारे सॉइल में होगी वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, तो इससे हमारा रिक्लेमेशन सैलाइन सॉइल का भी हो जाएगा। तो वहाँ आपको पढ़ाएंगे तो ये भी बातें आएंगी। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं क्या करते हैं कि जो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सोडियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जब वो जब क्या होंगे कि मृदा के नीचे दब जाएंगे तो धीरे धीरे उनका भी विघटन होगा, तो वो वहाँ पे जो प्लांट में जो आपका ये रेसिड्यू बच गया है सैलाइन एलिमेंट्स का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, तो ये क्या होगा फिर उनसे रिलीज हो जाएंगे और फिर वो क्या करेगा कि सॉइल में सैलिनिटी को डेवलप करेगा। तो यदि आपका क्या है कि फॉसिल सॉल्ट्स है तो वो भी क्या करता है कि सैलिनिटी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉसिल सॉल्ट्स डिपोजिशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ
सलाइन सॉइल। तो सलाइन सॉइल के डेवलपमेंट के लिए फॉसिल सॉल्ट्स भी जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे सैलिनाइजेशन ड्यू टू सी वाटर। इससे भी क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में हमारा जो है सॉइल है जो है सैलाइन बन जाता है, जैसे कि कोस्टल एरिया है जहाँ समुद्री एरिया है, तो क्या होता है कि कभी कभी ज्वारभाटा आता है, टाइडल आता है, साइक्लोन वगैरह आता है, तो उसके साथ क्या क्या होता है कि पानी आता है, समुद्र का पानी क्या होता है कि हमारे खेतों में चला आता है। तो समुद्र का पानी जब हमारे खेतों में आता है तो वो अपने साथ कुछ सॉल्ट भी लेकर के आता है, तो वो क्या होता है कि हमारे खेतों में रह जाता है और फिर पानी इवेपोरेट होकर के क्या होता है कि वो तो ऊपर उड़ जाता है, लेकिन जो हमारे साल्ट है, साल का कंसंट्रेशन हमारे क्या होता है कि हमारे फील्ड में, हमारे खेत में ज़्यादा जमा हो जाता है। तो यदि आपका क्या है कि जो कोस्टल एरिया वाले लैंड होते हैं उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलता है, और कोस्टल एरिया वाले जो क्षेत्र होते हैं वो सैलाइन सॉइल से ग्रस्त होते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें सैलिनिटी डेवलपमेंट बहुत जल्दी ही हो जाता है। तो यदि आप उसके बाद क्या है कि यदि आप साल्ट वाटर से इरीगेशन कर रहे हैं, यदि आप कोई ऐसा वाटर यूज कर रहे हैं जिसमें क्या है इरीगेशन के लिए आप कोई ऐसा पानी यूज कर रहे हैं जिसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, तो उससे भी क्या होगी कि धीरे 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 करके क्या होगी कि आपका जो सॉइल है वो धीरे धीरे सैलाइन बन जाएगा। तो यदि आप सी वाटर से इरीगेशन कर रहे हैं तो क्या होगा कि बहुत जल्दी ही क्या होगा कि आपका जो लैंड है वो धीरे धीरे सैलिनिटी में डेवलप कर लेगा, बदल जाएगा। उसके बाद क्या है कि यदि जो कोस्टल एरिया होते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होता है, तो जो समुद्री क्षेत्र से क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया में, जो समुद्री एरिया में हमारा ये जो प्रिसिपिटेशन होता है, जो वर्षा होता है, तो वो अपने साथ क्या होता है कि कुछ ना कुछ नमक का मात्रा भी लेकर के आता है। कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया तो उसके साथ भी क्या होते हैं कि बारिश कभी कभी होते हैं, तो वो जो क्या होता है कि सॉल्ट लेडन जो रेन होते हैं वो भी क्या करते हैं कि सैलिनिटी डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। द इरीगेशन ऑफ सी वाटर, यदि आप क्या करते हैं कि सी वाटर से इरीगेशन करते हैं यानी कि समुद्री पानी से आप अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि आपके खेतों में सैलिनिटी डेवलपमेंट होगा। द इरीगेशन ऑफ सी वाटर इंक्रीजेज द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्री के आसपास का इलाका जो होगा उसमें सैलिनिटी डेवलपमेंट करेगा। द सॉल्ट लेडन विंड्स, मतलब कि सॉल्ट लेडन विंड्स मतलब कोई हवा चला तो बहुत सारा क्या होता है कि सॉल्ट पड़े होते हैं ये समुद्री क्षेत्र के किनारे और ऊपर ऊपर जब हवा चलता है तो वो क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के, वो क्या होते हैं कि हवा के साथ आ जाते हैं और फिर जहाँ जा करके उसका डिपोजिशन होता है वहाँ पर क्या करते हैं कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, और इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि जो सॉइल होते हैं वो सैलाइन बन जाते हैं। इंक्रीजेज द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द कोस्टल एरियाज, ये हो गया। उसके बाद स्टॉर्म्स है, साइक्लोन है, टाइडल है, उसके बाद टाइडल सर्ज है, ठीक है, टाइडल सर्ज है, फ्लडिंग है। अब क्या हो गया कि कहीं फ्लड आया तो क्या होता है कि कभी कभी वो भी अपने साथ क्या करता है कि कुछ ना कुछ साल का कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ अपने साथ सॉल्ट लाता है, और जिस एरिया में जा करके उसका डिपोजिशन होता है वहाँ पर क्या हो जाता है फिर ये हमारा साल का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है और फिर हमारा जो होता है खेत जो होता है वो सैलाइन हो जाता है। इज ऑल्सो काज ऑफ सॉइल सैलिनिटी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्ट बाय द रिवर। तो क्या होते हैं कि जो पहाड़ी इलाकों से नदियां होकर के गुजरती है, जैसे कि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, तो वो भी क्या करती है कि वो बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे पत्थर होते हैं तो वो धीरे धीरे अपने साथ क्या करती है कि पत्थर में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है बहते बहते क्या होते हैं कि खुरद खुरद करके उससे भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि पानी में जो हमारा रॉक में जो साल्ट का कंसंट्रेशन है वो पानी में धीरे धीरे घुलनशील हो जाता है और फिर उसी के साथ क्या होता है कि बह कर आता है और वो फिर क्या करता है कि प्लेन एरिया में या फिर जो लो लैंड एरिया है वहाँ ला करके उसका डिपोजिशन कर देता है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि हमारा ये सैलिनिटी डेवलपमेंट होता है सॉइल में। द साल्ट ब्रॉड बाय द रिवर, जो साल्ट क्या होता है कि रिवर के द्वारा लाए देते हैं फ्रॉम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब कि जो
ऊंचे क्षेत्र से निकला और नीचे क्षेत्र में आकर के फिर क्या होता है, सालका डिपोजिशन कर देता है इन द प्लेन्स एंड लोलैंड एरियाज। तो सालका कंसंट्रेशन हमारा जो है इस प्रकार से भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक और है हमारा पुअर ड्रेनेज, पुअर ड्रेनेज और हाई वाटर टेबल, और एक और बात करेंगे लो प्रीसिपिटेशन। ये क्या है हमारा, सातवां नंबर में इसको डाल देते हैं, लो प्रीसिपिटेशन एंड हाई टेम्परेचर। और क्या है कि हाई टेम्परेचर, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुअर ड्रेनेज, तो होता है कि ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है। तो क्या होता है कि ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है तो हम आपने इरिगेशन किया या फिर पानी पड़ा, तो क्या होता है कि ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं होने के कारण जो हमारा खेत में सिंचाई करते हैं तो वो इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाता है, वो पानी नीचे नहीं जा पाता है। तो पानी नीचे नहीं जा पाता है तो पानी ऊपर ही रहता है, तो पानी क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि वो इवेपोरेट होकर के उड़ जाता है और हमारा साल का कंसंट्रेशन वहीं पे ऊपर परत में ही जमा हो जाता है। तो यदि आपके पास ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है तो भी क्या हुआ कि आपका साल का कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। यदि आपके पास ड्रेनेज की व्यवस्था है तो क्या हुआ कि जो भी साल कंसंट्रेशन आपके सॉइल में होगा वो नीचे चला जाएगा और नीचे फिर क्या होगा कि बह करके वो पूरा ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा। तो यदि आपके पास ड्रेनेज की सही व्यवस्था नहीं है तो क्या हो सकता है कि आपका सैलाइन जो है, आपका लैंड जो है सैलिनिटी में डेवलप हो सकता है। उसके बाद हाई वाटर टेबल, मान लेते हैं कि ये हमारा ज़मीन है और ये हमारा वाटर टेबल है, तो इतना नज़दीक में वाटर टेबल रहने के कारण क्या होगा कि यहाँ से जब इन्फिल्ट्रेट करेंगे जो भी पानी है वो इसके थ्रू, जो भी आपका सॉल्ट वगैरह है वो इसके थ्रू यहाँ आएगा तो यहीं तक ही रहेगा, वो अंदर जाएगा नहीं, यहीं तक जा करके रह जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि जब वाटर टेबल बढ़ेगा तो फिर यहाँ वाला जो साल्ट है आपका फिर सॉइल में चला आएगा, तो यानी कि उसका लीचिंग नहीं हो पाएगा। लीचिंग मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और पानी के साथ, न्यूट्रिएंट और पानी जब एक साथ क्या होते हैं कि अंदर मृदा में रिस के जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लीचिंग। तो क्या हुआ कि जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है आपका यहीं तक रह जाएगा, लीचिंग होगा लेकिन कहाँ तक रह जाएगा, यहीं तक रह जाएगा, तो वो नीचे नहीं जा पाएगा। तो वो जब नीचे नहीं जा पाएगा तो फिर क्या हुआ कि जब वाटर टेबल फिर राइज करेगा तो ये वाला क्या हुआ कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन आपका फिर से यहाँ पे आपका जमा हो जाएगा। तो यदि आपके पास हाई वाटर टेबल है, हाई वाटर टेबल कब रहेगा, जब आपके पास ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं रहेगी तो वाटर टेबल राइज कर जाएगा। और उसके बाद कोई कैनाल है तो उसके सीपेज के कारण भी क्या होता है कि वाटर टेबल बढ़ जाता है, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका बेस्ट एग्जांपल है कि उस क्षेत्र में क्या है बहुत सारा सॉइल सैलिनिटी डेवलपमेंट कर दिया है, क्योंकि नहर से जब पानी रिसता है, सीपेज करता है, तो क्या होता है कि अगल बगल का ग्राउंड लेवल का जो वाटर टेबल होता है वो बढ़ा देता है। तो यदि आपके पास सही से क्या है कि पुअर ड्रेनेज व्यवस्था है और हाई वाटर टेबल है तो उसके कारण भी सॉइल सैलिनिटी डेवलपमेंट हो सकती है। उसके बाद है कि लो प्रीसिपिटेशन एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, लो प्रीसिपिटेशन रहेगा तो बारिश कम होगी और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो बारिश कम होगी तो जो साल्ट कंसंट्रेशन हमारे मृदा में रहेगा वो पानी के साथ घुलनशील होकर के वो नीचे नहीं जा पाएगा, तो नीचे नहीं जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा रहने के कारण क्या होगा, पानी जितना भी रहेगा इवेपोरेट कर जाएगा और आपका जो सॉल्ट का सॉल्ट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम है, ये सारा कहाँ रह जाएगा, आपका ऊपर ही सरफेस पर रह जाएगा। तो ये सारे हमारे थे नेचुरल प्रोसेस थे कि किस प्रकार से जो है ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हमारा सॉइल सैलिनिटी बढ़ता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आगे जो भी होगा वो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। उसके बाद ये जो आप ऊपर में लिखा हुआ देख रहे हैं, ईसी क्या होता है, ईएसपी क्या होता है, एसएआर क्या होता है, पीएच इसका यानी कि सलाइन सॉइल का क्या करेक्टरिस्टिक ही है, मैंने अगले लेक्चर में डाल चुका हूँ। तो यदि आप इस सब को नहीं देखें तो इसको भी जा करके देखें, हमारे प्लेलिस्ट में होगा डाला हुआ।
तो ये सब क्या होगा, ये सब भी देखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के आते हैं वो यहीं से आते हैं। और उसके बाद ही आप सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सैलाइन सॉइल, या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सैलाइन सॉइल, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। और तो इस प्रकार के जो है सॉइल कहाँ बनते हैं, तो एरिड और सेमी एरिड में बनते हैं। तो इस प्रकार के कहाँ बने, एरिड या फिर सेमी एरिड, वैसे एरिया जो एरिड जोन के, मतलब एरिड जोन में है या फिर सेमी एरिड जोन में है। इसका कहने का मतलब हुआ कि जहाँ की प्रेसिपिटेशन क्या है, लो है, और हाई टेम्परेचर है, तो इस प्रकार का सॉइल का वहाँ पे उस एरिया में, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप हमें इस नंबर पे ओनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप ही चलेगा, ठीक है। तो आपको यदि सारे नोट्स चाहिए कि सैलाइन सॉइल का डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, उसके बाद इसके रिक्लेमेशन का मेथड क्या है, तो वो सारे आपके नोट्स में लिखा हुआ रहेगा, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं। थैंक यू। हम लोग बात करेंगे एंथ्रोपोजेनिक कॉज में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।